हेलो फूडीज, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी लेकर। आज मैं आप लोगों के साथ नागपंचमी पर बनने वाले बाजरे के आटे के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कुलर कहते हैं। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले गहरा बर्तन ले लिया है, बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम छन्नी को डाल देंगे। अब 250 ml का जो मेजरिंग कप आता है उसकी मदद से मैंने यहाँ पर 1 कप जितना बाजरे का आटा लिया है। ध्यान रखिएगा, बाजरे के आटे को छान के लेना है, और दूसरी बात, बाजरे का आटा आपका ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो ये लड्डू कड़वे बनते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा बाजरे का आटा आपका ताज़ा होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद आपको कुछ इस तरीके की इसमें से इम्प्योरिटीज देखने को मिलेगी, इस वजह से हमें बाजरे का आटा छान के ही यूज़ करना चाहिए। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने जो एकदम सॉफ्ट वाला गुड़ आता है ना, उसका यूज़ किया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ को बारीक छीन के भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस चम्मच की सहायता से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना यूज़ किया है। अगर टेबलस्पून के हिसाब से नाप के चले तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून जितना गुड़ रहेगा। सॉफ्ट वाला गुड़ लेने की मदद से क्या होता है, ये आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसमें जो गुड़ की गुठलियाँ हैं ना, वो रहती नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाला गुड़ यूज़ किया है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। ट्रेडिशनल तरीके से इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें डलती है। अगर आप चाहें तो इसमें कैशो नट भी यूज़ कर सकते हैं, खोपरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। घी को हमेशा मेल्ट करके ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1/3 कप जितना घी लिया है। अब धीरे धीरे करके आपको इसमें घी डालना है। ध्यान रखिएगा पूरा एक साथ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हर जगह पे बाजरे का आटा अलग अलग रहता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और इसे मिक्स करते रहना है, ताकि आपको आइडिया लगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें घी मिलाना है, ताकि हमें आइडिया लगे। अगर एक साथ पूरा मिला लेंगे तो ये लड्डू थोड़े से सॉफ्ट भी पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। दबाते हुए आपको मिक्स करना है, ताकि आपको पता चले कि इसमें बाइंडिंग हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। तो अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आटा बहुत ही सूखा सूखा है, तो बाकी का जो घी बचा हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपको हाथों की मदद से थोड़ा सा जोर लगा के इसको मिक्स करना है, ताकि घी, गुड़ और आटा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो बस हाथों की मदद से आप इसके लड्डू बनाएंगे। अगर इस टाइम पे आपका आटे में थोड़ा सा सूखापन लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना घी और डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा मैं ले लूँगी और हाथों की मदद से कुछ इस तरीके का हम इसके लड्डू बना लेंगे। अगर इस टाइम पे आपके लड्डू में क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप इस टाइम पे इसमें 1 से 2 चम्मच जितना घी और डाल सकते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लड्डू एकदम परफेक्ट बने हैं, यानी कि हमें इसमें घी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको हम निकालते जाएंगे प्लेट में और इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ना, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप भी घर पर कुछ मिनटों में ये लड्डू बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर आप इससे बड़े बनाना चाहते हैं तो आपके ये लड्डू 1 कप में से 3 से 4 बनेंगे। मेरे यहाँ पे टोटल 6 पीस बने हुए हैं, तो मैंने कुछ इस साइज़ के बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तैयार है अब भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।